नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बैंगन और टमाटर के भरते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लगती है। दो प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, चार टमाटर लिए हैं, देसी वाले टमाटर हैं। भरता में हमेशा देसी वाले ही टमाटर यूज करिएगा, देसी वाले टमाटर खट्टे होते हैं तो इससे भरते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, दो हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। आप हरी मिर्च ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। ये हमारी हरी मिर्च बहुत तीखी है तो इसलिए हमने दो ही ली है। और धनिया को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये हमने दो बैंगन लिए हैं, बैंगन आप गोल वाले भी ले सकते हैं। और ये इस तरीके के बैंगन हैं, लंबे हैं, ज्यादा गोल भी नहीं है, लेकिन ये भरते वाले ही बैंगन हैं। और बैंगन को लेते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैंगन हल्के हों, अगर वजनी होंगे तो उनमें दाने होंगे बड़े बड़े और वो भरते हुए टेस्ट उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और लहसुन अदरक को बारीक चॉप कर लिया है, और लहसुन को और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो बैंगन को भूनने से पहले मैं इनमें कट लगा दूंगी, तो मैं कट इसमें बीच से ही लगाती हूँ और पूरा नहीं काटना है, इतना काट देना है और इतना रहन देना है। इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कहीं कीड़े तो नहीं है, वैसे तो देख करके ही लिया है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। और इसमें भी इस तरीके से कट लगा देंगे बीच से। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि हम बैंगन को तवा में भूनने वाले हैं। मैं हमेशा तवा में ही भूनती हूँ, वैसे भी इसमें भून जाता है लेकिन तवे में अच्छा रहता है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम रख देंगे, जिधर कट लगाया है उधर नहीं रखेंगे, उसको साइड में रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। ये दोनों बैंगन को हमने इसमें रख दिया। अब हम इनमें रख देंगे टमाटर, और ये वाले टमाटर को भी रख दूंगी। और इसको अब इसमें एक कटोरा में ढक देंगे। ये कटोरा हमने भरता के लिए ही बनाया है, हमेशा इसी को ढकती हूँ तो इसलिए ऐसा हो गया है काला काला सा। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसको हटाएंगे कटोरे को, तो इस तरीके से चिमटे से, और इनको पलट लेंगे। हाथ से पलट लीजिए, नहीं तो चिमटे से पलट लीजिए इस तरीके से। देखिए इधर ऐसे से हो गया है, और इधर भी अच्छे से पक जाएगा। और टमाटरों को भी इस तरीके से पलट लेंगे और इसे फिर ढक देंगे, और फिर थोड़ी देर तक इसे फिर से पकने देंगे। एक बार मैंने इनको एक बार और पलट दिया था। और ये देखिए जो हमारे टमाटर है वो पक चुके हैं, तो उन्हें हम निकाल लेंगे एक कटोरी में, एक बर्तन में। ये देखिए टमाटर को इतना ही पकाना है, इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये टमाटर को भी निकाल करके रख लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, तो हम इसका छिलका उतार लेंगे। हम पानी में इसको नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसका छिलका उतारेंगे। ये देखिए बैंगन हमने छील लिया है, और इसका ये कट कर लेंगे हम इस तरीके से चाकू से। ये इसको कट करके हटा देंगे और इसको हाथों से मीज लेंगे अच्छे से। टमाटर के भी छिलके उतार लेंगे। गैस पे पैन रख दिया है, और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये हमने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि भरते में ना सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। सरसों के तेल से ही भरता बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, ऐसे थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से। डाल देंगे जीरा और हरी मिर्च। ये देखिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च पक गई है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज भी हमारी सुनहरी हो गई है, इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप भरता में हल्दी पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं। और डाल देंगे ये धनिया पाउडर, भरता में इतना ही मसाला पड़ता है, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये तो पूरी सब्जी बन जाएगी अगर गरम मसाला वगैरह या ज्यादा मसाला कुछ भी डाल दिया तो इतना ही मसाला हम डालते हैं। डाल देंगे बैंगन, जिसको हमने इस तरीके से मसल दिया था अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी हमने इस तरीके से मीज लिया था हाथों से।
नमक डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है नमक। गैस को मंदी कर दें और इसे ढक देंगे। ये देखिए हम इसे खोल करके चेक करेंगे। इससे पहले मैंने इसको एक बार और चलाया था। ये देखिए हमारा भरता बन करके पूरा तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। इस तरीके से मिला लें अच्छे से, और ऐसे ही भरता ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जितना कम मसाला आप डालेंगे उतना ही टेस्टी भरता बन करके तैयार होता है। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।